अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो टांगों को अनक्रॉस कर दीजिए और सीधे होके बैठ जाइए, स्पाइन सीधी करिए। उमेश जी प्लीज सीधे होके बैठिए। जब भी हम प्राणायाम करते हैं स्पाइन सीधा रखना है। अगर आपको बैक एक है आप सपोर्ट ले लें मगर स्ट्रेट स्पाइन में बैठेंगे, ओके? और अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो क्रॉस लेग बैठ सकते हैं सुखासन। चेयर पे अनक्रॉस और जमीन पे क्रॉस, ओके? नाउ हम पहले चेक करते हैं कि हमारा स्ट्रेस कितना है। अब आपको एक टेक्निक बताती हूँ। अगर हम स्ट्रेस्ड हैं तो हमारी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। आपकी हर सोच का इफेक्ट आपकी ब्रेथ पे पड़ता है। आपका माइंड और ब्रेथ इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं ब्रेथ पे काम करा रही हूँ ताकि आपके माइंड से स्ट्रेस कम हो, ओके? सो जब आपका नॉर्मल मैकेनिज्म ब्रीदिंग का क्या था, सांस लो और पेट में भर लो, पेट बाहर आना चाहिए, राइट? और सांस छोड़ो तो पेट अंदर आना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इसको उल्टा कर देता है। आप सांस लेते हैं पेट अंदर जाना शुरू जाता है और सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर आता है। इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। तो इसको रेगुलेट करना है। और अगर आप क्रॉनिकली स्ट्रेस होते हैं तो आप पेट तक सांस ले ही नहीं जाते, आप सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। दिस इज वर्स्ट। चेस्ट ब्रीदिंग मीन्स शैलो ब्रीदिंग। आप ब्रीथ ज्यादा कर रहे हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम है, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इम्बैलेंस की वजह से बॉडी का पीएच बिगड़ता है, ओके? तो आप ये चेक करते हैं आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं। अभी अपनी ब्रेथ को ऑल्टर नहीं करेंगे, वो मैं करवा दूंगी, आप सिर्फ चेक रखेंगे, ओके? राइट हैंड को चेस्ट पे रखेंगे। आई एम जस्ट मूविंग बैक सो यू कैन सी मी। राइट हैंड ऑन योर चेस्ट एंड लेफ्ट हैंड ऑन योर टंग, ओके? स्पाइन स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें। अब एक सांस भरें और सांस छोड़ें, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें। तो आपने असेस कर लिया होगा आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे चेस्ट ब्रीथिंग कर रहे हैं और बहुत सारे सांस भरने में पेट को अंदर निकल रहे हैं, व्हिच इज ऑपोजिट। अब इन दोनों की चीजों को हम ठीक करेंगे। दिस इज अ साइन कि आपके अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव है। उसको आप सेटल करना है, लो करना है और रेस्ट एंड मैकेनिज्म को ऑन करना है। तो इसको करने के लिए अगेन आप राइट हैंड चेस्ट पे रखो और लेफ्ट हैंड पेट पे रखो, ओके? और एक झटके से सांस छोड़ना है प्रेशर से और पेट को अंदर पुश कर, सांस छोड़े पेट को अंदर लेके, फिर से इसको 5 बार करें, सांस छोड़े पेट अंदर। जब आप प्रेशर से सांस छोड़ेंगे आपका पेट ऑटोमेटिकली जाएगा, फिर से एक बार। अब आप सांस भरें, आप देखेंगे आपका पेट बाहर, सांस भरें पूरा पेट बाहर आ गया। आपने अपनी ब्रीदिंग को करेक्ट किया, इसको हम करेंगे एक ब्रेथ को। सांस भरें पेट बाहर, पूरा लेफ्ट हैंड को बाहर आता हुआ फील करें। अब सांस को रोक दें। अब धीरे धीरे अपने मुंह से सांस छोड़ें, फूंक मारें और पेट को अंदर लेके जाएं। आपका पेट पूरा स्क्वीज इन करता है। फिर से सांस भरें धीमे धीमे, पेट को फुलाएं, रोकें और जब एक्सहेल करेंगे लंबा करेंगे फूंक मारें। पेट को अंदर, आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म हो गया ठीक। दोनों हाथ नीचे रखें और अब हम इसको बिना हाथ को चेस्ट पे लगाए करेंगे। आपको अपने दोनों हाथ इस मुद्रा में रखने, इंडेक्स फिंगर और टिप को जॉइंट करते हैं और दोनों हाथ घुटनों में रखने, पाम्स फेसिंग आउट, हथेली हमेशा ऊपर, आंखें बंद, स्पाइन सीधी, नेक और शोल्डर को रिलैक्स करें। अब हर एक्सहेलेशन के साथ जितनी बार आप बाहर की सांस छोड़ेंगे उसके साथ आपको अपने शरीर में से टेंशन को रिलीज करना है।
आप फील करेंगे कि आप स्ट्रेस छोड़ रहे हैं। ओके, सांस भरें, इधर होल्ड, एंड स्लोली ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, पुश योर टमी इन। सांस भरे फिर से पेट बाहर, होल्ड, और धीरे धीरे सांस छोड़े मुंह से फूंक मारते हुए पेट अंदर। सांस अंदर पेट बाहर, सांस को रोके, धीरे से मुंह से छोड़ दे, अपने शरीर से सारे तनाव को बाहर। इस ब्रेथ वर्क को बोलते हैं 4-7। इसमें आप जब सांस अंदर भरेंगे तो 4 का काउंट करेंगे, रोकेंगे 7 के काउंट तक, और जब सांस छोड़ेंगे तो 8 के काउंट। एक्सहलेशन को डबल करें, जब बाहर थोड़ी ब्रेथ को डबल करें, तो बिकॉज एक्सहलेशन आपकी बॉडी का डीटॉक्सिफिकेशन मीडियम, आपकी बॉडी एक्सहलेशन के माध्यम से अपने आप को डीटॉक्सिफाई करती है। तो जब हम लंबा एक्सहलेशन करते हैं आपके अंदर से तनाव बाहर, डीटॉक्सिफिकेशन नेचुरली। ओके, मैं एक और ब्रेथ ऐड करूंगी फॉर रिलैक्सेशन, इसको बोलते हैं शोल्डर श्रग ब्रीथ। इससे आपके मसल टेंशन एकदम कम होगा, जो टायर्डनेस और लेथार्जी आ जाती है स्ट्रेस की वजह से वो रिलीज। ओके, अगेन हैंड्स ऑन योर नी, आप मुद्रा छोड़ सकते हैं हथेली ऊपर, यहाँ पे आप सांस भरेंगे और दोनों शोल्डर्स को ऊपर लेके जाए, जितना मैक्सिमम ले जाए, अपने कानों तक लेके लिफ्ट अप, मोर अप एज मच एज पॉसिबल, कंधे उचकाए और रोक के रखें। अब बड़ा मुंह खोल के सांस छोड़ें और कंधे नीचे लाएं, आपके मुंह से आ की आवाज आनी चाहिए। जब आप आ करेंगे आपको फील होगा आपका बॉडी टेंशन में नहीं। अब इसको आंख बंद करके देखिए 5। ओके, क्लोज योर आई, ब्रीथ इन, शोल्डर ऊपर करें, होल्ड, और सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे करें, ब्रीथ इन अगेन, होल्ड, ब्रीथ आउट। Breathe in, lift up, hold, breathe out, breathe in, go up, hold, breathe out. और पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर लेकर आए, फील करें कि आपकी ब्रेथ में कितनी काम है। Your breath is very slow and deep now. A time for relaxed mind. आप जितना गहरा और धीमे सांस लेंगे उतना मन शांत है। जैसे मैंने बताया माइंड एंड ब्रेथ आर इंटरलिंक्ड। द मोमेंट यू वर्क ऑन योर ब्रेथ योर माइंड स्लोस डाउन, रिलैक्सेस एंड फील्स द काम। अब काम को आप अपनी ब्रेथ और रिलैक्सेशन से
आपकी बॉडी का 12 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अब काम हो गया है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्लो हो गया। Rubbing your hand is a great activity to activate the energies in your body. आपको पता है हाथों में acupressure points हैं, इससे आपके शरीर में blood circulation बढ़ता है, कुछ हद तक आपको relaxation feel होगा सिर्फ हाथों की massage करने से, और आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। अच्छा, दोनों हाथ चेहरे पे लगाएं। एक बात और आपको बता दूं, आपकी उंगलियों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और आपके ब्लड में भी होता है, तो आप जहां हाथ लगाते हैं आपके शरीर में ब्लड सप्लाई उस एरिया में बढ़ जाती है। ओके, सो दिस इज अ गुड एक्टिविटी टू चार्ज अप।